HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। राजधानी रांची में छात्रों का मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम अब पूरी तरह से विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां ये कांके रोड का नज़ारा है, जहां काफ़ी संख्या में RAF के जवान और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई गई थी, ये बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग को अब हटा दिया गया है। यूं कहा जाए कि सामान्य व्यवस्था होने लगी है। छात्रों का जो प्रदर्शन का अंदेशा था वो प्रदर्शन यहां पर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी और पुलिस लगातार यहां पर काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। और ये तस्वीरें बताती हैं कि राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव छात्रों ने नियोजन नीति के विरोध में किया था वो पूरी तरह से यूँ कहा जाए कि विफल हो गया है। हालाँकि छात्रों ने छुटपुट तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन में वो भाव नहीं दिखा, जो संख्या दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखा। और यही कारण है कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था धरे के धरे रह गए। आप देख सकते हैं ये वाटर कैनन मिलाया गया था, और यहाँ पे तस्वीरें हैं जो काफ़ी संख्या में ये वाटर कैनन का व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री आवास जाने वाली ये सड़क है, और इस आवास जाने वाली सड़क में हालांकि जो यात्री हैं, जो लोग सड़कों पर चलने वाले हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये परेशानियाँ यूँ कहा जाए कि परेशानियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से अब बैरिकेडिंग खोल दी गई है, और बैरिकेडिंग खोलने के बाद से आम जनजीवन एक बार फिर से सुगम हो सके इसकी व्यवस्था की जा रही है। ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची की, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं, और यही वो सड़क है जो मुख्यमंत्री आवास जाती है। ये कांके रोड का इलाका है जहां RAF के जवानों को भी तैनात किया गया है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में हालाँकि लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जगह जगह पर बैरिकेडिंग हुई थी, और बैरिकेडिंग के कारण जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई उन स्थितियों में कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ये तमाम चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों के बीच ऐसे में ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें यहां पर राजधानी रांची में दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं जो मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट तैनात हैं यहां पे, जो अधिकारी हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, क्या अब व्यवस्था सामान्य माना जाए? प्रोटेस्टर्स के रोड पर बैठ जाने तथा ट्रैफिक का आवागमन अवरोध किए जाने का प्रयास करने के कारण कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया है, हम कैंप जेल ले जाया गया है। फिलहाल हमारा प्रयास है कि जो ट्रैफिक रुकी हुई है उसको सामान्य एज सून एज पॉसिबल किया जा सके। सर, सवाल ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें हैं, और राजधानी रांची में अब जो व्यवस्था है सामान्य होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि विरोध करके छात्रों ने ये जताने का जरूर प्रयास किया है कि आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा विरोध वो करेंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की पूरी इंतजाम होने के कारण कोई घटना और पुलिस पर को वैसी कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ी जिसका अंदेशा था। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।